प्यारे साथियों नमस्कार। मैं दृष्टिकोण क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोगों ने प्यारे साथियों परसेंटेज को कंप्लीट कर लिया है। उसी कड़ी में प्यारे साथियों आज हम लोगों को पढ़ना है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ और हानि। तो चलिए साथियों यहां पर हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। आइए प्यारे साथियों यहाँ पर इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को, जिसका मतलब होता है साथियों लाभ और हानि। तो यहाँ पर साथियों शुरू करने से पहले कुछ बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना होगा। आइए उन बातों को समझ लिया जाए। जैसे आपने सुन भी रखा होगा कुछ राशियाँ हैं, कुछ मूल्य हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा साथियों यहाँ पर क्रय मूल्य साथियों, अंग्रेजी में इसको आप कहते हैं साथियों कॉस्ट प्राइस, या शार्ट में आप साथियों इसको यहाँ पर सीपी कह सकते हैं, क्रय मूल्य। तो यहाँ पर साथियों आप क्रय मूल्य किसे कहेंगे? किसी भी वस्तु को प्यारे साथियों हम बाजार से जिस मूल्य पर खरीद कर लाएंगे वही कहलाएगी साथियों यहाँ पर उसका क्रय मूल्य। किसी भी वस्तु को हम बाजार से साथियों जिस मूल्य पर खरीद कर लाएंगे वही मूल्य साथियों उसका क्रय मूल्य कहलाएगा। क्रय मूल्य सदैव साथियों स्वयं में 100% होगा। सबसे पहली बात आपको जो कि यहाँ पर ध्यान रखनी है कि क्रय मूल्य सदैव स्वयं में, क्रय मूल्य सदैव स्वयं में 100% होता है। 100% साथियों यहाँ पर होता है। तो ये बात साथियों यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखनी है कि अगर कभी भी मैं क्रय मूल्य की बात करूँगा तो क्रय मूल्य साथियों अपने आप में हमेशा 100% होगा। दूसरी बात साथियों, कभी भी सामान्य तौर पर अगर आप लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत की गणना करेंगे तो वो हमेशा साथियों आपको यहाँ पर क्रय मूल्य पर ही करनी है। यानी मैं कह सकता हूँ कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत की गणना सदैव साथियों क्रय मूल्य पर ही की जाती है। दो बात प्यारे साथी आपने यहां से समझ लिया। पहली बात आपने ये देखा कि क्रय मूल्य सदैव स्वयं में होगा 100%। दूसरी बात यहाँ पर साथियों आपने देखी कि चाहे वो प्रॉफिट परसेंट होगा चाहे वो लॉस परसेंट होगा, सामान्य तौर पर हम यहाँ साथियों जो इसकी गणना करेंगे वो हमेशा प्यारे साथी आपको करनी है क्रय मूल्य पर। आइए प्यारे साथियों अगली बात करते हैं। अगली बात यहाँ पर हमने आपको एक बात बताई साथियों कि हम बाजार से किसी वस्तु को जिस मूल्य पर खरीद कर लाएंगे वही उसका क्रय मूल्य होगा। कभी कभी साथियों यहाँ पर ऐसा होता है कि मान लीजिए हम बाजार गए, बाजार से हमने किसी वस्तु को ₹100 में शुरुआत में खरीदा। साथियों हमने बाजार से शुरुआत में किसी वस्तु को ₹100 में खरीदा। मान लीजिए वस्तु में कुछ खराबी है तो उस खराबी को आपको मरम्मत करवानी पड़ेगी। तो मान लीजिए साथियों यहाँ पर आपने ₹Y खर्च कर दिए मरम्मत में, ₹Y साथियों यहाँ पर आपने मरम्मत में खर्च कर दिए। तो यहाँ पर साथियों जो आपका क्रय मूल्य बनेगा वो दोनों का योग होगा। भले आप वस्तु को ₹100 में ही लेकर आए हो लेकिन चूंकि आपने यहाँ पर वस्तु की मरम्मत में ₹Y खर्च कर दिए हैं तो यहाँ पर जो वस्तु का साथियों आपका क्रय मूल्य बनेगा वो बनेगा यक्स और प्लस का वाई। मान लीजिए प्यारे साथियों यहाँ पर आप बाजार गए, आपने एक पुरानी टीवी खरीदी ₹800 की और आपने इस टीवी को बनवाने में यहाँ पर ₹200 खर्च कर दिए। और यहाँ पर अगर आपसे कहा जाए कि क्रय मूल्य क्या होगा तो जो क्रय मूल्य होगा साथियों वो यहाँ पर 800 नहीं होगा, क्योंकि 200 आपने इस टीवी की मरम्मत में भी खर्च किया है
तो यहाँ पर आपका जो साथियों क्रय मूल्य होगा वो आपका हो जाएगा 800 प्लस का 200 साथियों, यानी ये आपका यहाँ पर आएगा 1000। तो साथियों अगर किसी वस्तु को हम बाजार से खरीदेंगे, अगर उसकी मरम्मत हमने कराई है, तो जो भी मरम्मत का मूल्य होगा, जिस मूल्य में हम उस वस्तु को लेकर आए होंगे, अगर कभी भी क्रय मूल्य की बात करेगा तो दोनों मूल्यों को वहां पर साथियों आपस में आपको जोड़ देना है। अगली बात आइए प्यारे साथियों यहाँ पर समझते हैं, तीसरी बात बहुत ध्यान से आइए समझते हैं हम लोग। ये था आपका साथियों क्रय मूल्य। अगर आप विक्रय मूल्य की बात करें साथियों, विक्रय मूल्य तो इसको हम साथियों यहां पर कहते हैं सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, या साथियों आप इसी को कहते हो यहां पर एसपी। किसी वस्तु को साथियों जिस मूल्य पर बेचा जाएगा वही मूल्य कहलाएगा उसका विक्रय मूल्य। अगली बात है प्यारे साथियों यहां पर लाभ और हानि की, लाभ और हानि की आइए समझते हैं। लाभ को आप साथियों यहां पर कहते हैं प्रॉफिट, और लॉस को आप साथियों यहां पर हानि को लॉस कहते हैं। तो प्रॉफिट कब होगा साथियों यहां पर, और घाटा कब होगा आपको? अगर मान लीजिए साथियों विक्रय मूल्य का मान ज्यादा हो क्रय मूल्य से, तो ऐसे हर केस में आपको यहां पर लाभ होगा। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आपने 10 रुपये में कोई सामान खरीदा, यानी क्रय मूल्य इस सामान का यहाँ पर है 10 रुपये, और आपने साथियों इसको यहाँ पर 12 रुपये में बेच दिया, तो यहाँ पर साथियों आप देख पा रहे हो कि जो विक्रय मूल्य है वो यहाँ पर क्रय मूल्य से ज़्यादा है, यानी ऐसी प्रत्येक परिस्थिति में साथियों यहाँ पर होगा लाभ। तो अगर आप यहाँ पर लाभ की बात करेंगे साथियों, तो जो आपका लाभ होगा, लाभ बराबर हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगर हिंदी में इसी बात को आप नोट करेंगे साथियों, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। हानि साथियों बिल्कुल इसी की उल्टा होगी। अगर हम किसी सामान को ज्यादा में खरीद कर लाएं और कम में बेच दें, तो ऐसी प्रत्येक परिस्थिति में साथियों यहाँ पर होगी हानि। तो अगर हानि की बात की जाए साथियों, तो यहाँ पर हानि बराबर आपका हो जाएगा सीपी माइनस एसपी, या आप साथियों यहां पर कह सकते हैं क्रय मूल्य माइनस का यहां पर साथियों विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य। इतने कॉन्सेप्ट प्यारे साथियों यहां पर आपको समझने थे कि क्रय मूल्य आप किसे कहेंगे, विक्रय मूल्य आप किसे कहेंगे, लाभ कब होगा और हानि कब होगी। लास्ट पॉइंट साथियों यहां पर आपका बचता है अंकित मूल्य, जिसको आप एमपी कहते हैं, या इसी को साथियों आप यहां पर कहते हो मार्क प्राइस, हिंदी में इसी को साथियों कहते हैं आप अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। कोई भी वस्तु साथियों अगर आप मार्केट से लेकर आते हैं, तो उसके पीछे यहां पर एक रेट लिखा होता है। जैसे आपने मार्केट से दवा लिया, कोई नमक का पैकेट लिया, तो उसके पीछे आप देखेंगे तो वहां पर एमआरपी लिखी होगी। तो जो प्यारे साथियों वहां पर एमआरपी लिखी होगी उसी को हम यहां पर कहेंगे अंकित मूल्य, या एमपी या मार्क प्राइस। कभी भी साथियों अगर आपको डिस्काउंट देना होगा या छूट देनी होगी, तो आप हमेशा अंकित मूल्य पर ही छूट को देंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहां पे साथियों आप लिख सकते हैं कि छूट सदैव अंकित मूल्य पर ही दी जाती है, छूट सदैव अंकित मूल्य पर ही दी जाती। ये बात यहां तक साथियों आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया होगा कि लाभ कब होगा, हानि कब होगी, छूट किस पर देना है, क्रय मूल्य किसे कहेंगे, विक्रय मूल्य किसे कहेंगे। अब आइए थोड़ा सा साथियों हम लोग बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं। यहां पर पहला क्वेश्चन अगर मैं आपके लिए लूं साथियों, तो पहला क्वेश्चन ये रहा कि किसी वस्तु को साथियों 500 रुपये में खरीद कर और 675 रुपये में, बहुत ही आसान प्रश्न है साथियों, 675 रुपये में बेच दिया गया
तो यहाँ पे आपसे साथियों पूछ रहा है कि कितने रुपए का तथा कितने प्रतिशत का, कितने प्रतिशत का साथियों यहाँ पर आपसे कह रहा है कि लाभ होगा, कितने रुपए का या फिर कितने प्रतिशत का साथियों यहाँ पर लाभ होगा, ये यहाँ पर प्यारे साथी आपसे वो प्रश्न में पूछ रहा है। तो सबसे पहले अगर आप प्रश्न को साथियों पढ़ेंगे तो यहाँ पे कहा गया है कि 500 रुपए में खरीद कर, यानी यहाँ पर साथियों आपका जो क्रय मूल्य होगा सीपी होगा वो आपका साथियों हो जाएगा 500 रुपए, क्योंकि आप सामान को साथियों यहाँ पर 500 रुपए में खरीद कर लाए हैं। यहाँ पर अगर आप साथियों विक्रय मूल्य की बात करेंगे तो विक्रय मूल्य आपका यहाँ पर हो जाएगा 675 रुपए। 500 रुपए में प्यारे साथी आपने खरीदा, यहाँ पर 675 रुपए में बेच दिया, तो देखने से बिल्कुल क्लियर है साथियों कि यहाँ पर प्रॉफिट ही हो रहा है और 175 रुपए का यहाँ पर साथियों लाभ होगा। अगर आप एसपी माइनस सीपी करेंगे तो ये आपका साथियों यहाँ पर 175 रुपए का प्रॉफिट आपको हो रहा है। लेकिन यहाँ पे साथियों आपसे दो बातें पूछी गई हैं, एक प्रॉफिट पूछा है और एक प्रॉफिट का परसेंट पूछा है। तो अगर साथियों यहाँ पे आप प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो यहाँ पे पहले आप देखिए कितने रुपए का लाभ हुआ है, तो आप कहेंगे साथियों कि यहाँ पर 175 रुपए का लाभ हुआ है। हमने शुरुआत में ही आपको एक बात यहाँ पर बताई है कि लाभ परसेंट और हानि परसेंट की गणना आपको साथियों यहाँ पर करनी है हमेशा क्रय मूल्य पर, यानी ये जो 175 रुपए का लाभ होगा साथियों ये हमेशा आपको होगा 500 पर, और परसेंट लगाने के लिए साथियों हमेशा आप गुणा करते हैं यहाँ पर 100 से। तो अगर यहाँ पर आप काटेंगे तो आपका 20 से 20 कट जाएगा साथियों, 5 से आप काटेंगे तो 5 × 15 और 5 × 25, यानी ये आपका साथियों हो जाएगा 35%। सभी लोग प्यारे साथी इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। यहाँ पर चलिए साथियों आइए अगला प्रश्न लिया जाए। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 2000 रुपए में खरीद कर 1800 रुपए में बेच दिया, 1800 रुपए में बेच दिया, तो आपको बताना है साथियों यहाँ पर कि कितने रुपए का लॉस होगा और कितने परसेंट का यहाँ पर साथियों लॉस होगा। यहाँ पर आपसे प्यारे साथी पूछा गया है कि कितने रुपए का यहाँ पर घाटा होगा और कितने परसेंट का प्यारे साथी यहाँ पर घाटा होगा। दो प्रकार के प्रश्न यहाँ पर साथी आप देख पा रहे हो। आपसे कहा गया है कि यहाँ पे कितने रुपए की हानि होगी और कितने परसेंट की हानि होगी, तो आप कहेंगे साथियों कि यहाँ पे जो आपका क्रय मूल्य है वो आपका साथियों है 2000 रुपए, और यहाँ पे साथियों आपका जो विक्रय मूल्य है वो आपका हो जाएगा 1800 रुपए। तो यहाँ पे साथियों अगर आप देखेंगे तो हानि हो रही है, और हानि साथियों जो आपको हो रही है वो यहाँ पे हो रही है साथियों यहाँ पर 200 रुपए की, यानी यहाँ पर साथियों आपको 200 रुपए की हानि हो रही है। लेकिन आपसे यहाँ पर साथियों दो बातें पूछी गई हैं, एक आपसे पूछा है कितने रुपए की हानि होगी और दूसरा आपसे यहाँ पर पूछा गया है साथियों कि हानि का प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पर साथियों अगर आप हानि का प्रतिशत निकालेंगे तो आप कहेंगे साथियों कि 200 रुपए की हानि हुई है, किस पर होगी साथियों, तो आप कहेंगे हमेशा यहाँ पर 2000 पर होगी, और परसेंट लगाने के लिए प्यारे साथी आप कहेंगे हमेशा यहाँ पर 150। अगर आप काटेंगे साथी तो यहाँ पे 1, 2, 3, यहाँ पे 1, 2, 3, 2 से आप काटेंगे साथियों 10%, यानी यहाँ पे आप कह सकते हैं साथियों कि उस व्यक्ति को 10% का लॉस हुआ होगा। इसी क्रम में प्यारे साथी आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा सा साथियों आपका ये रहा, एक व्यक्ति प्यारे साथी एक पुराना टीवी
2500 रुपये में खरीदता है, 2500 रुपये में खरीदता है और इसकी मरम्मत पर और इसकी यानी टीवी थोड़ी सी खराब रही होगी तो आपसे कह रहा है साथियों यहाँ पर कि इसकी मरम्मत पर 500 रुपये खर्च हो जाते हैं। यदि अंत में इस टीवी को उसने 4000 रुपये में बेच दिया हो, 4000 रुपये में यहाँ पर बेच दिया हो तो आपको यहाँ पर साथियों बताना है कि उसे कितने परसेंट का यहाँ पर लाभ होगा, प्रॉफिट का परसेंट साथियों यहाँ पर आपसे वो पूछ रहा है। तो आप कहेंगे एक व्यक्ति ने एक पुराना टीवी लिया है 2500 में और इसकी मरम्मत पर खर्च किया है 500। तो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग साथियों यहाँ पे आपको एक बात बताई गई है कि अगर आप कोई वस्तु खरीदें उसकी मरम्मत में आप जितना भी पैसा यहाँ पर खर्चा करेंगे वो पुराने वाले क्रय मूल्य में जोड़ दिया जाएगा। यानी यहाँ पर साथियों जो आपका क्रय मूल्य बनेगा, शुरुआत में आप लेके आए हो साथियों 2500 की और 500 रुपये की आपने साथियों यहाँ पर मरम्मत कराई है, यानी कुल जो आपका यहाँ पर साथियों क्रय मूल्य बनेगा वो आपका बन जाएगा 3000 रुपये और साथियों विक्रय मूल्य यहाँ पर दिया गया है आपको 4000 रुपये, यानी विक्रय मूल्य साथियों यहाँ पर हो जाएगा आपका 4000 रुपये। यानी उस व्यक्ति ने प्यारे साथी यहाँ पे 3000 रुपये में टीवी को खरीदा होगा और 4000 रुपये में यहाँ पर टीवी को बेच दिया होगा। तो आप कहेंगे साथियों कि यहाँ पर उस व्यक्ति को 1000 रुपये का लाभ हुआ है, बिल्कुल सीधा सीधा दिख रहा है कि 3000 रुपये में खरीद दाम पड़ा हुआ है, 4000 में यहाँ पर बेचेगा साथियों तो उसको 1000 रुपये का फायदा होगा। अगर लाभ परसेंट की गणना करेंगे साथियों, आपको शुरुआत में ही यहाँ पर बताया गया है कि लाभ प्रतिशत की गणना आपको हमेशा करनी है क्रय मूल्य पे, तो आप कहेंगे 1000 रुपये का लाभ होगा 3000 पे और यहाँ पे साथियों परसेंट लगाने के लिए गुणे 100 आप करेंगे तो यहाँ पे 3 जीरो से आपका साथियों 3 जीरो कैंसिल होगा, यानी ये आपका हो जाएगा 100/3% का प्रॉफिट, या साथियों आप इसी को कह सकते हो 33/1/3% का लाभ। सभी लोग साथियों इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर ऐसा ही एक और प्रश्न हम लोग लेते हैं। आइए चलिए आइए साथियों अगला प्रश्न ये रहा आपके लिए। एक व्यक्ति एक पुरानी बाइक साथियों 20000 रुपये में खरीदता है, 20000 रुपये में खरीदता है और उसकी मरम्मत पर साथियों यहाँ पे 8000 रुपये खर्च हो जाते हैं, 8000 रुपये खर्च हो जाते हैं, ठीक। 20000 रुपये में साथियों बाइक लेके आया लेकिन बाइक बिगड़ी हुई है, सेकंड हैंड उसने खरीदा है, बाइक को बनवाने में यहाँ पर 8000 रुपये उसके खर्च हो गए। फिर आपसे आगे कह रहा है कि यदि उसने बाइक को 25000 रुपये में बेच दिया हो, 25000 रुपये में बेच दिया हो तो कितने प्रतिशत की यहाँ पर साथियों हानि होगी, कितने प्रतिशत की आपसे कह रहा है साथियों यहाँ पर हानि होगी। यानी आपसे साथियों यहाँ पे कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक पुरानी बाइक 20000 रुपये में खरीदा और 8000 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च कर दिया और लास्ट में बाइक को यहाँ पर 25000 रुपये में बेच दिया गया,
तो उसे लाभ हुआ या हानि अगर हुआ साथियों तो यहाँ पर कितने परसेंट का होगा। तो आप प्यारे साथी यहाँ पर पहले क्रय मूल्य निकालेंगे, तो जो आपका यहाँ पर क्रय मूल्य बनेगा 20,000 रुपये में साथियों खरीद कर लाया है और 8,000 रुपये लगाई है मरम्मत पे, यानी दोनों को साथियों यहाँ पर आप ऐड कर लेंगे अगर, तो ये आपका हो जाएगा 28,000 रुपये। ये साथियों आपका हो जाएगा 28,000 रुपये, यानी जो आपके लिए यहाँ पर क्रय मूल्य पड़ेगा साथियों वो आपका पड़ेगा 28,000 और विक्रय मूल्य यहाँ पर आपको दिया गया है 25,000। यानी साथियों यहाँ पर जो आपका विक्रय मूल्य दिया हुआ है वो दिया हुआ है यहाँ पे 25,000 रुपये। यानी उस व्यक्ति ने साथियों यहाँ पर 28,000 रुपये में खरीदा उस बाइक को और 25,000 रुपये में बेच दिया, तो होगा तो साथियों यहाँ पर घाटा ही। तो आप कहेंगे कितने का घाटा हुआ, तो आप बताएंगे साथियों कि यहाँ पे उस व्यक्ति को 3,000 का घाटा हो गया। 3,000 का जो लॉस हुआ है साथियों वो किस पर होगा, तो आप कहेंगे कि कभी भी अगर प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट की आपको कैलकुलेशन करनी है तो वो हमेशा आप करेंगे क्रय मूल्य पर, यानी 3,000 का लॉस हमेशा यहाँ पर होगा साथियों 28,000 पे, और परसेंट लगाने के लिए साथियों हमेशा आपको गुणे यहाँ पर 100 करना है। अगर आप यहाँ पर काटेंगे साथियों तो 3 जीरो से आपका 3 जीरो कैंसिल होगा, 4 सते 28 जाएगा साथियों, 4 से काटेंगे तो 25, यानी ये आपका साथियों आएगा 75/7%। इतने परसेंट का साथियों यहाँ पर उस व्यक्ति को लॉस होगा, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर इस पूरे सौदे में उस व्यक्ति को 75/7% का साथियों यहाँ पर घाटा हुआ है। सभी लोग साथियों इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, फिर हम लोग चलेंगे साथियों यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर। चलिए प्यारे साथी अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा। अगला प्रश्न है किसी वस्तु को 20% के लाभ पर, किसी वस्तु को 20% के लाभ पर साथियों 360 रुपए में बेच दिया गया, 360 रुपए में यहाँ पर बेच दिया गया, 360 रुपए में साथियों बेच दिया गया, तो आपसे कह रहा है कि इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या रहा होगा। आपसे कहा गया है यहाँ पर साथियों कि किसी वस्तु को 20% के लाभ पर 360 रुपए में बेच दिया गया, तो इस वस्तु का यहाँ पर साथियों क्रय मूल्य जो होगा वो क्या होगा। दो तरीके साथियों यहाँ पर, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, मुख्य तौर पर यहाँ पर आपके पास दो तरीके हो सकते हैं। आपको बताया गया है प्यारे साथी कि जो आपका क्रय मूल्य होता है वो हमेशा होता है 100%। तो आप कहेंगे साथियों कि यहाँ पे जो क्रय मूल्य है आपका वो यहाँ पर है 100%, 20% के प्रॉफिट पर साथियों आपके इस वस्तु को बेचना है, तो अगर आप साथियों यहाँ पर 20% प्रॉफिट लेंगे तो आप बेचेंगे 120% में, क्योंकि 100 रुपये का सामान है, अगर 20% का यहाँ पर आप साथियों लाभ लेंगे तो सामान को आप बेचेंगे 120% में। 120% में आप साथियों यहाँ पर बेच रहे हैं, सवाल में आपने यहाँ पर बेचा है 360 रुपये में, यानी साथियों यहाँ पर आपकी 120% की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपकी साथियों यहाँ पर हो जाएगी 360। यहाँ पर अगर आप इसको कट करेंगे तो 0 से 0 कटेगा साथियों, 12 एकन्नम 12, 12 तिहाई 36, यानी यहाँ पे साथियों आपका 1% की वैल्यू 3 आएगी। सभी को पता है साथियों कि यहाँ पे क्रय मूल हमेशा 100%, तो अगर 1% की वैल्यू साथियों यहाँ पर 3 है तो जो आपकी 100% की वैल्यू होगी साथियों वो आपकी हो जाएगी 300। ये प्यारे साथी आपकी जो 100% की यहाँ पर वैल्यू बनेगी वो यहाँ पर हो जाएगी 300। दूसरा तरीका साथियों कहता है कि अगर आपको फ्रैक्शनल वैल्यूज क्लियर है तो ऐसे सवालों को आप बहुत तेजी से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे साथियों लिखा हुआ है 20% की साथियों अगर आप फ्रैक्शन बनाएंगे तो 20% की फ्रैक्शन यहाँ पर होती है 1/5। कभी भी साथियों अगर आप प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट की फ्रैक्शन बनाएंगे तो नीचे यहाँ पर हमेशा साथियों आएगा क्रय मूल्य, यानी साथियों यहाँ पर 5 जो होगा वो आपका हो जाएगा क्रय मूल्य, यानी यहाँ पे जो आपका क्रय मूल्य है वो हो जाएगा 5x।
और ऊपर हमेशा प्रॉफिट या लॉस आएगा। अगर आप प्रॉफिट का बनाएंगे तो ऊपर प्रॉफिट आएगा, लॉस का बनाएंगे तो ऊपर लॉस आएगा। यहाँ पे 20% के प्रॉफिट पे साथियों, यानी यहाँ पे आएगा आपका प्रॉफिट। तो 5x साथियों यहाँ पर इसका क्रय मूल्य है और 1x का लाभ होगा। तो अगर 5 रुपये के सामान पर साथियों अगर 1 रुपये का फायदा लिया जाए तो सामान का यहाँ पर जो आपका विक्रय मूल्य होगा वो हो जाएगा 5 और 1 6। 5 का सामान है साथियों, यहाँ पर 1 रुपये का आप फायदा लेकर सामान को अगर बेचेंगे तो जो आपके सामान का विक्रय मूल्य बनेगा साथियों वो आपका बनेगा 6x। 6x में आपने साथियों यहाँ पर बेचा है, सवाल में दिया हुआ है 360 रुपये, यानी यहाँ पे साथियों आपका 6x की जो वैल्यू बन जाएगी वो आपकी बन जाएगी 360 रुपये साथियों। तो अगर आप यहाँ से 1x की वैल्यू निकालें तो ये आपका साथियों 6 * 1 = 6 होगा, ये हो जाएगा आपका 6 × 36, यानी x की वैल्यू यहाँ पर साथियों आपकी आ जाएगी 60। क्रय मूल्य साथियों आपका 5x है, तो यहाँ से अगर आप साथियों 5x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 60 × 5, यानी ये साथियों आपका आएगा 300 रुपये। तो दोनों ही तरीके साथियों यहाँ पर बेहतर हो सकते हैं आपके लिए, डिपेंड करता है आप पे कि आप यहाँ पर कौन सा तरीका अप्लाई करते हैं। सभी लोग प्यारे साथी इसको नोट कर लेंगे, फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए आइए प्यारे साथियों हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपका, आपसे कहा गया है कि एक वस्तु को 16 / 2/3% के लाभ पर 16 / 2/3% के लाभ पर 280 रुपये में बेच दिया गया। फिर आपसे आगे कह रहा है कि यदि इसे 10% के लाभ पर बेचा गया होता 10% के लाभ पर बेचा गया होता तो इसका विक्रय मूल्य साथियों यहाँ पर क्या होता। सभी लोग साथियों इस प्रश्न का प्रयास करके कमेंट बॉक्स में यहाँ पर रिप्लाई करेंगे, फिर हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करने का जो तरीका होगा वो क्या हो सकता है। सभी लोग प्रयास करेंगे साथियों। सुनिए यहाँ पे दोस्तों 16 / 2/3% की जो फ्रैक्शन होती है परसेंटेज चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है, इसकी यहाँ पर जो फ्रैक्शन बनेगी वो आपकी साथियों बनेगी 1/6। आपको पता है कभी भी आप अगर फ्रैक्शन बनाते हैं तो आपको बताया गया है नीचे हमेशा आपका आएगा क्रय मूल्य, आपने प्रॉफिट लिया है साथियों तो ऊपर आपका आएगा यहाँ पर प्रॉफिट। यानी अगर 6 रुपये का सामान है 1 रुपये का लाभ लेकर यहाँ पर आपने बेचा है तो सामान को आपने 7 रुपये में यहाँ पर बेचा रहा होगा, तो 7x साथियों यहाँ पर इसका विक्रय मूल्य बनेगा। और सवाल में आपको दिया हुआ है कि 280 रुपये, यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर 7x की जो वैल्यू होगी साथियों वो आपकी हो जाएगी 280 रुपये। तो यहाँ से अगर आप 1x की वैल्यू साथियों निकालेंगे तो 1x की जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी 40। क्रय मूल्य निकालने की बात कर रहे हैं साथियों, यहाँ पे क्रय मूल्य आपका है 6x, तो यहाँ से अगर आप 6x की वैल्यू निकालेंगे तो 6x की वैल्यू साथियों यहाँ पे हो जाएगी 40 × 6, यानी साथियों ये आपका आएगा 240 रुपये, ये आपका साथियों यहाँ पर हो जाएगा क्रय मूल्य। आपसे यहाँ पर साथियों कहा गया है
कि अगर इसी वस्तु को 10% के लाभ पर यहाँ पर बेचा गया होता तो साथियों इसका विक्रय मूल्य क्या होता, तो 240 रुपये साथियों यहाँ पर क्रय मूल्य है। अगर इसको 10% के लाभ पर आपने बेचा होता, मतलब 100 का सामान है, 110 में आप बेचे होते साथियों, तो 110 बटे 100 में इसको बेचते तो यहाँ पे आप साथियों दो जीरो से दो जीरो को कैंसिल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा साथियों 11 चौक 44 की 4 हासिल आया, 4 11 दूनी 22 और 4 26, यानी साथियों ये आपका आएगा 264 रुपये। तो यहाँ पर साथियों जो आपका विक्रय मूल्य आएगा फाइनल वाला वो हो जाएगा 264, या आप कह सकते हैं कि 264 रुपये। आइए साथियों इसी क्रम में अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपका, एक वस्तु को 44.44% की हानि पर, एक वस्तु को साथियों 44.44% की हानि पर 200 रुपये में बेचा गया तो आपसे यहाँ पर साथियों पूछा गया है कि इसका क्रय मूल्य क्या होगा, तो इसका क्रय मूल्य साथियों यहाँ पर क्या होगा, इसका क्रय मूल्य क्या होगा, ये बात साथी यहाँ पर आपसे पूछी गई है। तो आप कहेंगे कि 44.44% का यहाँ पर हो रहा है लॉस, तो 44.44% सबसे पहला स्टेप ये होगा साथियों कि इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू आपको पता हो। तो जब आपने साथियों यहाँ पर परसेंटेज पढ़ा हुआ था तो आपको बताया गया था कि अगर यहाँ पर 11 की टेबल चलेगी तो नीचे हमेशा आएगा 9। लॉस हो रहा है साथियों यहाँ पर 44.44 का, यानी इसकी वैल्यू आपकी बन जाएगी 4/9। नीचे साथियों हमेशा क्रय मूल्य आता है, आप सभी को पता है, और अगर प्रॉफिट होगा तो ऊपर यहाँ पर प्रॉफिट आएगा, और अगर लॉस होगी तो यहाँ पर ऊपर साथियों आएगी आपकी लॉस। यानी साथियों आप कह सकते हैं कि 9x का सामान है और आपने 4x के घाटे पर इस सामान को बेच दिया, तो अगर 9 के सामान पर साथियों 4 रुपये का घाटा होगा तो सामान को आप यहाँ पर बेचेंगे 5x में, तो 5x में साथियों आप यहाँ पर बेच रहे हैं। और सवाल में जो इसका विक्रय मूल्य यहाँ पर दिया गया है साथियों वो आपको दिया गया है 200 रुपये। तो आप कहेंगे यहाँ पर कि 5x का मान आपका हो गया साथियों 200 रुपये, तो यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5×24, यानी ये हो जाएगी साथियों 40। और आपसे यहाँ पर पूछा गया है साथियों क्रय मूल्य यहाँ पर साथियों आपका 9x है, तो यहाँ पे साथियों अगर आप 9x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 40×9, यानी साथियों ये आपका आएगा 360 रुपये। आशा करता हूँ साथियों सभी का ये प्रश्न सही रहा होगा, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट करेंगे, फिर हम लोग साथियों बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। आइए प्यारे साथियों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके लिए, यदि क्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत 16/2/3% हो तो विक्रय मूल्य पर आपसे कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा। विक्रय मूल्य पर साथियों लाभ का जो प्रतिशत होगा वो क्या होगा, आपको दिया हुआ है यहाँ पर कि क्रय मूल्य पर लाभ का जो परसेंटेज है वो है 16/2/3%, और आपसे कह रहा है यहाँ पर कि जो विक्रय मूल्य पर प्रॉफिट का परसेंट होगा वो यहाँ पर कितना होगा। तो आप कहेंगे साथियों कि 16/2/3% का लाभ, इसकी फ्रैक्शन जो आपकी साथियों बनेगी वो आपकी बन जाएगी 1/6।
आपको बताया गया है साथियों कि नीचे हमेशा यहाँ पे आपका क्रय मूल्य आएगा और ऊपर हमेशा अगर प्रॉफिट का केस होगा तो प्रॉफिट आएगा और अगर लॉस का केस होगा तो यहाँ पर आएगा लॉस। यानी 6x का सामान है साथियों, आपने 1 रुपये का लाभ लेकर यहाँ पर बेचा है। तो आप कहेंगे कि अगर क्रय मूल्य यहाँ पर 6x हो गया तो जो विक्रय मूल्य होगा साथियों वो हो जाएगा 6 और 1 7x। अब की बार आपसे वो कह रहा है कि आपको बताना है कि विक्रय मूल्य पर लाभ का परसेंटेज क्या होगा। तो लाभ तो साथियों अभी भी 1x का ही हो रहा है, यानी आप कहेंगे कि अभी भी यहाँ पर 1x का लाभ ही हो रहा है, लेकिन इस बार आपको जो लाभ परसेंट की गणना करनी है वो यहाँ पर करनी है विक्रय मूल्य पे। तो विक्रय मूल्य साथियों यहाँ पे आपको दिया गया है 7x, यानी यहाँ पे आपको 1x का लाभ होगा 7x पे और परसेंट लगाने के लिए आप गुणा यहाँ पर करेंगे 100 से। यानी साथियों ये आपका हो जाएगा 100/7%, या आप यहाँ पे साथियों कह सकते हैं कि 14/2/7%। यानी यहाँ पे साथियों आपका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा 14/2/7% का लाभ। इसी क्रम में साथियों आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके लिए, यदि क्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है, 25% का लाभ होता है तो विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत का साथियों आपसे कह रहा है कि लाभ होगा। विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। बहुत ही आराम से प्यारे साथी आप यहाँ पर इस प्रश्न को कर सकते हो। क्रय मूल्य पर साथियों यहाँ पे कहा गया है 25%। 25% का मतलब साथियों यहाँ पे आप कहेंगे कि 1/4, दोनों में आप साथियों यहाँ पर x को ऐड करेंगे तो यहाँ पर जो आपका क्रय मूल्य है वो हो जाएगा 4x और प्रॉफिट यहाँ पे साथियों आपका हो जाएगा 1x का। यानी अगर साथियों यहाँ पर क्रय मूल्य आपका 4x है, 4 रुपये का सामान है, अगर 1 का लाभ लेंगे साथियों तो यहाँ पर सामान जो आपका बिकेगा वो बिकेगा 5x में। यानी साथियों यहाँ पर जो सामान का विक्रय मूल्य आपका हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों 5x। अब इसी लाभ परसेंट की आपको साथियों गणना करनी है, लेकिन जो आपको गणना करनी है वो यहाँ पर करनी है आपको साथियों विक्रय मूल्य पर। यानी आप बताएंगे कि अभी भी यहाँ पर 1x का प्रॉफिट ही हो रहा है, लेकिन अब होगा साथियों वो 5x पे, क्योंकि आपसे कहा गया है कि विक्रय मूल्य पर ही आपको बताना है। तो 1x/5x और यहाँ पर साथियों परसेंट लगाने के लिए हम लोग गुणा करेंगे 100 से। तो अगर आप कैंसिल करेंगे साथियों तो यहाँ पे x से x कटेंगे, 5 से काटेंगे तो 20, यानी ये आपका प्यारे साथी आएगा 20%। सभी लोग साथियों इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए साथियों समय के अभाव की वजह से हम लोग कल क्लास को कंटिन्यू करते हैं और कल टाइप वाइज हम लोग क्वेश्चन को साथियों शुरू करेंगे। कल के लिए आपके लिए काम रहेगा कि ये जो वीडियो है आप लगातार 2 बार देखेंगे इसको बारी बारी से बैक करके, जिससे कि आपको आज की सारी चीज़ें पूरी तरह से क्लियर हो जाएं। तब तक के लिए साथियों सभी को नमस्कार।